ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक जगह का नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अब नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर किया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने नौगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर स्टेशन कर दिया है। कागजातों में भी यह बदलाव हो गया है। रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। क्षेत्रीय जनता के साथ सांसद जगदम्बिका पाल भी इसके लिए आवाज उठा रहे थे। वहीं इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज नगरवासियों के दशकों का सपना पूरा हुआ है। दुनिया में बौद्ध के मानने वाले देशों में एक संदेश गया कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली सिद्धार्थ में जन्म, लेकिन स्टेशन का नाम आज भी नौ, इसमें बहुत इसके परिवर्तन में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। आप देखिए, हमारी केंद्र में सरकार आई तो मरुआडी हो, मुगल सराय हो, स्टेशन पर कभी परिवर्तन नाम होते ही नहीं। और आज हम धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देंगे देश के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को, जिन्होंने गौतम बुद्ध के बचपन सिद्धार्थ, जिन्होंने इस धरती पे 29 वर्षों तक संन्यास लेने के पहले रहे हैं, तो उनके नाम से जनपद था। आज ये ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक दिन इस जनपद के लिए होगा कि आज बता देंगे। सबसे पहले वाराणसी जंक्शन से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया था। यह स्टेशन यूपी के चंदौली जिले के शहर मुगल सराय में है। इससे पहले वाराणसी के मंडवाडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन रख दिया गया है। इलाहाबाद जंक्शन का भी नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया था। सिद्धार्थनगर से मजहर अहमद की रिपोर्ट, यूपी तक।